इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। क्या आप सभी दर्शकों को पता है कि 2019 के चुनाव में भोजपुरी के स्टार्स किस किस पार्टी को वोट देंगे? जी हाँ, हम आपको बताने वाले हैं कि भोजपुरी स्टार पवन सिंह जी किस पार्टी को वोट देंगे, साथ ही साथ खेसारी लाल यादव किसका समर्थन करेंगे, निरहुआ जी किसको वोट देंगे। तो विस्तार से इस खबर को देखिए और सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि आप सभी दर्शकों को जो बिहार में रहते हैं उन सभी को हम बता दें कि आप उस पार्टी को ही वोट देना जो किसी भी जातिवाद को बढ़ावा ना देता हो, क्योंकि हमारा बिहार 10 साल पीछे हो चुका है। जितने भी भारत में राज्य हैं उन सबसे पिछड़ा राज्य अपना बिहार ही है। जी हाँ, इसकी कहीं ना कहीं जो वजह है राजनीतिक मुद्दा ही है, नेता ही है, कुछ चंद नेताओं ने ही हमारे बिहार का नाम बदनाम कर रखा है। तो आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि 2019 चुनाव में बता दीजिए उन नेताओं को, उन सभी को जो घोटालेबाज करते हैं, जो गंदगी फैलाते हैं बिहार में, जातिवाद फैलाते हैं। तो आप सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर मेरा अनुरोध है कि उसी को वोट दीजिए जो सच्चा हो और जो बिहार का नाम, बिहार का विकास कर सके, बिहार का नाम कर सके। तो हम आपको बता दें कि सुपरस्टार पवन सिंह जी, जाहिर सी बात है, बीजेपी की उन्होंने सदस्यता ले रखी है, तो बीजेपी को ही वोट देंगे और कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बता दें आपको कि खेसारी लाल यादव RJD की तरफ से उनके प्रचार करेंगे, प्रचार के साथ साथ वोट भी RJD को ही देंगे, क्योंकि खेसारी लाल यादव यादव हैं और जाहिर सी बात है कि वो लालू प्रसाद की तरफ सीधा आकर्षित हैं। कई बार हमने तस्वीर भी दे रखी है कि खेसारी लाल यादव लालू प्रसाद के घर गए हुए हैं, तेजस्वी से मिले हुए हैं, उनकी रैलियाँ भी की है, उनका प्रचार भी किया है। तो जाहिर सी बात है खेसारी लाल यादव अपने RJD की तरफ से ही चाहे उनको वोट दें या फिर उनका समर्थन करें। तीसरा, दिनेश लाल निरहुआ जी कहीं ना कहीं वो मुद्दों से तो भटकते हैं, क्योंकि साफ तौर पर कभी निरहुआ जी ने ये नहीं कहा कि मैं इस पार्टी से चुनाव कर रहा हूँ, लेकिन उनको देखा गया है कि उत्तर प्रदेश में एक बार वो रैली करने के लिए गए थे अखिलेश यादव का। जी हाँ, अखिलेश यादव के रैली में गए थे उत्तर प्रदेश में और काफ़ी भारी संख्या में पब्लिक वहाँ पर इकट्ठी हो गई थी। बता रहे थे कि निरहुआ जी को वहाँ से जान बचाकर भागना पड़ गया। तो ये रही कुछ भोजपुरी स्टार्स की खबरें। रितेश पांडे जी, साथ ही साथ अक्षरा सिंह, इनसे अभी बात नहीं हुई है। और वैसे भी जो कोई भी मतदान देता हो वो गुप्ती रखे तो अच्छा है, बेहतर है। हमने आपको इसलिए बताया इन्फॉर्मेशन ताकि आप सभी दर्शकों को पता लग सके, क्योंकि साफ साफ ये कोई भी अगर पूछता है आपसे कि आपने किसको वोट दिया है तो आप कृपया किसी को बताएं नहीं कि मैंने इसको वोट दिया है, क्योंकि आपका गुप्त मतदान आपका अधिकार है। तो आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि कोई अगर ऐसा पूछता है आपसे तो तुरंत उसके खिलाफ आप कंप्लेन कीजिए, क्योंकि इस तरीके के सवाल शायद किसी से नहीं पूछा जा सकता। और पवन सिंह जी, खेसारी लाल यादव, ये दो भोजपुरी के ऐसे स्टार्स हैं कि साफ तौर पर लगता है कि ये इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हीं का वो समर्थन करेंगे, चाहे वो पवन सिंह जी चाहे खेसारी लाल यादव हो। और दिनेश लाल निरहुआ जी कहीं ना कहीं भी पार्टी से जुड़े हुए हैं। उसके बाद भोजपुरी स्टार रितेश पांडे, अक्षरा सिंह या और भी तमाम स्टार्स हैं, उनकी मतदान गुप्त है, वो किसी को बताना नहीं चाहते और हम भी शायद उनसे पूछने के अधिकारी नहीं है कि आप किसको वोट देते हैं। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है एक बार फिर से कि वोट दीजिएगा उसी को जो जातिवाद ना फैलाता हो, बिहार को उस मुकाम पर ले जाए, बिहार का वो विकास करे। तो आप सभी दर्शकों को ये खबर कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आप सभी को चटपटी न्यूज़ के साथ साथ हम ऐसी खबरें बीच में लाते रहेंगे जब तक चुनाव ख़त्म नहीं हो जाते। तो हमारे चैनल पर बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।